किसी ने खूब कहा है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह एक नाकामयाब पति के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। तुम अपने आप को हीरो समझते हो? आजकल तो सर्कस में भी तुम जैसी कट साइज के जोकर नहीं रखते। एक बार छूट देकर तो देखो, देखो मैं कहां, एक साल के अंदर मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा। स्काई इज द लिमिट। चल छूट दे दी तुझे। अरे पुरुष, फिल्म तो बहुत दूर की बात है, किसी डॉक्यूमेंट्री में मरीज का रोल भी मिल जाए ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी, समझे तुम? क्या बात है पुशी, आज बड़े खुश लग रहे हो। क्या करूं स्वीटी, तेरी पुशी की तो निकल पड़ी रे। हाँ, क्या बात है बेटा, आज तुम्हें रास्ते में 5 रुपए का कॉइन मिला। अच्छा छुपरुस्तम जी, सिचुएशन ऐसी है कि आप अमेरिका 3 साल के लिए पढ़ने गए और ये जो मिनी है ना, मिनी या ये आपकी बचपन की प्रेमिका है और बचपन से आपका इंतजार कर रही है। देखो इंतजार में कैसे सूख के काटा होगी, आप हेल्थ भी देख सकते हैं। अब बरगद के पेड़ की तरह फैल गई, बोलते सूख के काटा हो गई। जीनियस आओ। जीनियस कौन है? जीनियस वो जी आपसे कह रही है। फोन बजा किसी का उठा करके। ओहो तुम्हारा एक बज रहा है। हेलो जी, मैं अपनी कंटी भूल जाता जी। हेलो हेलो, कौन? पापा, प्रॉब्लम क्या थी पापा? हाँ पापा, मम्मा को डिवोर्स देना चाहते थे और मम्मा लेने से मना कर रही थी ना। हाँ पापा, ऐसा ही होता है औरतों के साथ, इनको ना अच्छी से अच्छी चीज ला के दो, इनको पसंद भी नहीं आती है। हाँ हाँ जी पापा, हाँ जी शुक्र है जी, अच्छा जी गल है, सत श्री अकाल। क्या हुआ? ओ जी मुबारक, ओ जी पापा मम्मा का ना डिवोर्स कैंसिल हो गया जी। और ना डिवोर्स में जो खर्चा आने वाला था ना, उस खर्चे से पापा मम्मा को यूरोप लेके जा रहे हैं तीर्थ यात्रा वास्ते। यूरोप की तीर्थ यात्रा? हाँ जी। कभी कभी इसके खर्राटे में सीटी तो बजती थी। अब ये एम्बुलेंस की सायरन का डेवलपमेंट कुछ नया है। अच्छा है लेकिन डरावना है। ए बिना 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 उठे बिना, ए बिना उठ बिना। सपने में कितना अच्छा खाना खा रही थी, आइसक्रीम खाने लगी तो उठा दिया। बोलो क्या कमाल की औरत है, सुबह 7 बजे खाने के सपने देखती है, वो भी आइसक्रीम खाने। अरे अपने दरवाजे के बाहर एम्बुलेंस आके खड़ी है। अरे टेंशन काहे को पालने का, डॉक्टर टेंशन लेते हैं क्या? हॉस्पिटल के दरवाजे पे 24 घंटे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। अरे लेकिन अपने घर के बाहर एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? अरे बच्चों ने बुलाई है। क्यों? एम्बुलेंस में बैठ के मुंबई दर्शन करने वाले हैं क्या? तो चलो अब शुरू होने जा रहा है हमारा ऑडिशन राउंड। सबसे पहले आएंगे मिस्टर एंड मिसेस नाटकर्णी। एक एम्बुलेंस से काम नहीं चलेगा, 4 मंगवानी पड़ेंगी। अरे चुप बैठो ना। चुप बैठो, 4 एम्बुलेंस।